इतना लक्ष्य वेट करता कौन सा साला कौन से गाली दे रहा है वैसे पकड़ूंगा। कभी दोस्त कोई दुश्मन बना लो, कभी कोई दुश्मन ढूंढो, वो वाला सीन है। ग्रीन तभी रहता है ग्राफ, मेरा तो स्टूडियो ग्राफ कंट्रोवर्सी से ही ग्रीन रहता है। भाई रात को मम्मी का फोन आया, जैसे व्लॉग डाला ना रात को, कह रही मम्मी, कह रही तुमने सारी पढ़ाई लिखाई हमारी नाश कर दिया। कह रही अब रिश्तेदार भी देखते हैं बहुत वीडियो ऐसे वैसे। मैंने कह रही तो बहुत आम बात है। मम्मी कह रही, फिर कहती है ना कि रोस्ट में तो एक्चुअली वो एक तरीके है, वो एक अलग पर्सनैलिटी है रोस्ट की, बट व्लॉग में तो तू असली है ना, तब तो लोग कहेंगे तो असली है इसकी। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में, और तीसरे एपिसोड में हमारे बीच बैठे हैं हमारे लक्ष्य भाई, लक्ष्य चौधरी। आखिर हाथ आ ही गया भाई हमारे। नहीं मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार नोएडा में हूँ, बुला नहीं रहे किसी पास। आज अपने फायदे को आ गया मैं। हालांकि 10 मिनट दूरी रहते हैं भाई, फिर भी बहुत मुश्किल से हाथ आए हैं। मुझे अपना फायदा दिख गया ना आज, तो मैं इसलिए आ गया। और लक्ष्य भाई को मुबारक हो, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स भाई ने अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तालियां हो गया। हर माइलस्टोन मतलब अच्छा तो लगता है। ऑल थैंक्स टू कंट्रोवर्सीज। तो भाई जब कंट्रोवर्सी नहीं होती तो क्या होता, मतलब खाली बैठ जाते हो या क्या? यार बोरियत आती है, मतलब वो जो यूट्यूब स्टूडियो के ग्राफ होते हैं ना, नीचे को दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई ना कोई गॉसिप आती रहनी चाहिए। फिर ना लक्ष्य वेट करता कौन सा साला कौन से गाली दे रहा है वैसे पकड़ूंगा। कभी दोस्त कोई दुश्मन बना लो, कभी कोई दुश्मन ढूंढो, वो वाला सीन है। ग्रीन तभी रहता है ग्राफ, मेरा तो स्टूडियो ग्राफ कंट्रोवर्सी से ही ग्रीन रहता है। कभी ऐसा कुछ हुआ है मतलब कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ ऐसे ही डाला हो और वो चल गया हो, मतलब? हाँ एक वीडियो थी वो जो फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना के की थी ना, वो लड़की की फेक प्रोफाइल बना के लड़कों से वीडियो कॉल, वो थी जो एक्सपेरिमेंटल थी। मुझे लगा था 5-6 लाख जाएगी, लेकिन वो 2 मिलियन प्लस है अभी। इंडिया में है वही जनता जो ये देखना चाहती है कि भैंजो कौन कैसे चूतिया काट रहा है और क्या। अरे ओमेगल चैट्स भी बहुत लोग देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ उसकी जो शॉर्ट्स आते हैं ना, रील्स आती है भाई रैंडमली ना, एक मतलब एल्गोरिथम ऐसा है, आपने एक देख ली तो वो वही दिखाएगा आपको, तो अलग 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 अलग। मम्मी क्या की ओमेगल कर भी लूं? नहीं यार ओमेगल वैसे कर रहा है अभी नहीं, मैंने कभी नहीं भाई ओमेगल पे बहुत जल्दी फिल्म बनती है। ओमेगल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दीपक ने तो करा है बहुत बार, तो ओपनली करा है, सबको पता है, उसमें कोई लोड थोड़ी है। लक्ष्य खुद बैठा है, लक्ष्य भी रशियन यूक्रेनियन आती है, वहाँ कपड़े वपड़े निकाल लेती है, फिर उसके बाद पता चलता है कि ये उधर भी शूट हो रही थी। खाली तुम ही यूट्यूबर नहीं हो, वहाँ पे भी यूट्यूबर है, फिर होता है भाई ये वाला सीन। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रोस्ट कल्चर है ये इंडिया में, एक तो क्या सीन है इसका, अभी आ गया है, आना है, किस लेवल पे है? क्योंकि बाहर हमने प्यूडीपाई को ही देखा है, और इंडिया में शुरुआत में कैरी करता था, फिर तुम लोग सब हाइप में आए और बहुत अच्छा कर रहे हो अभी, पर अभी इसका सीन कैसा है इंडिया में, मतलब तुम्हारे हिसाब? रोस्ट का मैं बताऊँ, रोस्ट को प्रॉपर कैरी नहीं किया इंडिया में, मैं बताऊँ ना, ना तो उसके बाद अब कोई रोस्ट होता, अब तो एक तरीके से कॉमेंट्री बच गई, सिर्फ कॉमेंट्री है कि हम ओपिनियन दे रहे हैं, हम थोड़ा सा उसको देख के रिएक्शन दे रहे हैं, बस इतना बच गया। क्योंकि बाहर जो रोस्ट था ना, अगर इंडिया के रोस्ट को कंपेयर किया जाए प्यूडीपाई से या किसी से, तो वो वाला दिखेगा ना बहुत फ़र्क है दोनों में ना, चाहे उसमें कंटेंट की क्वालिटी देख लो या कोई चीज़ देख लो, क्योंकि बाहर की और यहाँ की ऑडियंस में फ़र्क है। यहाँ की ऑडियंस बहुत सेंसिटिव है, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जो बाहर वाले क्रिएटर कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ के लोग ना जब यूट्यूब खोल रहे हैं तो उनके दिमाग में एंटरटेनमेंट है, उनके दिमाग में कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, उनके दिमाग में कोई पॉलिटिकल जो एक वो साइड होती है ना, सेंटीमेंट नहीं जुड़े हुए, वो धर्म पे जोक मार देंगे, वो गॉड पे जोक मार देंगे, किसी भी चीज़ पे मार देंगे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत देख के करना पड़ता है। तो इसलिए अब रोस्ट तो बचा नहीं, अब कॉमेंट्री बची है, लेकिन कैरी की अगर 3-4 साल पुरानी वीडियो देखी जाए ना, उसमें प्रॉपर रोस्ट है, जहाँ उसने मतलब कम्युनिटी को, रिलीजन को, हर चीज़ पे जोक मारे हैं, और जो कि है भी बढ़िया, मतलब मुझे ज़्यादा फनी वही वीडियोज़ लगती हैं। कॉमेंट्री जैसे तू करता है, तो तेरे को क्या लग रहा है कि जो ऑडियंस है अभी और मतलब अभी बूस्ट मारेगी, अभी और बढ़ेगी, या फिर लिमिट हो गया है? लिमिट हो गया मतलब यूट्यूब तो लिमिट ही हो गया, मतलब ये तो किसी भी यूट्यूब नहीं, मैं पर्टिकुलरली कमेंट्री वाली चीज़ कह रहा हूँ, जो तू कह रहा हूँ ना कि अपना ओपिनियन देते हैं हम लोग, क्योंकि कॉमेडी का ना जैसे हम लोग करते हैं तो हम देख रहे हैं, जो हमारा जॉनर है, ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा जैसे हमारे साथ के भी हैं, जैसे हर्ष है, वो एक फिल्म लेवल पे जा चुके हैं, या ओटीटी लेवल पे
काम कर रहे हैं, राउंड टू हेल है, 3 महीने में एक वीडियो ला रहे हैं, तो सब लोग अब टाइम ले लेके चीज कर रहे हैं क्योंकि सबको समझ आ गया कि उसका सैचुरेशन आ गया है नॉर्मल चीज का, तो ज्यादा उसको ना दो। हाँ, तो आपके जॉनर में क्या है यार? हमारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि देख, चलना तो हमेशा है कमेंट्री ना, ओपिनियन तो मतलब कुछ लोग तो ऐसे ना जिनको बस मतलब उनको चीज़ें पता है पर सुननी है कहीं से, मतलब एक आवाज़ होनी चाहिए। जैसे मैंने एमएलएम पे वीडियो बनाई थी ना, तो बहुत लोग उन एमएलएम वालों को कुछ बताना चाहते हैं पर उनको ना उनके पास वो शब्द नहीं है, वो एक छोटे से ब्रीफ में सब कुछ नहीं है। तो मान लिया मैंने 12-13 मिनट की वीडियो में सब कुछ बना दिया, तो उसको वो एक लिंक मिल गया कि भाई अब मेरे को कोई अप्रोच करेगा, मेरा कोई दोस्त है, कोई मेरे को परेशान कर रहा है, कोई शो ऑफ कर रहा है ना एमएलएम वाला, तो मैं उसको भेज दूंगा, ये भेज गया कि देख बस अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना। तो एक अभी तेरे साथ हुआ है ये एमएलएम वाली? हाँ, मेरे कॉलेज में हुआ। मैं भी उनमें से हूँ भाई। तो मतलब कैसा था एक्सपीरियंस? मैं बता दे रहा हूँ, मैं बीएससी फिजिक्स में था, मैं मुजफ्फरनगर से देहरादून पढ़ने गया था उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में। तो भाई मुझे ना शुरू में लोगों ने बताया भाई देहरादून में लड़कियां बड़ी सुंदर है, तो दिमाग में फिट होके गया था क्योंकि मेरे शहर में आप लड़की के साथ बात भी नहीं कर सकते, अगर कर ली तो घर बात चली जाएगी और फिट हो गया लग। अच्छा, तो वहाँ मुजफ्फरनगर में? हाँ, नहीं क्योंकि बहुत छोटा है यार, सब रिश्तेदार है, सब पता चल जाता है, वहाँ छोटा सा शहर है। तो देहरादून में तो चीजें अलग लेवल है, मतलब जब मैं गया ना वहाँ पे इतनी अलग लेवल थी, कुछ टाइम तो मुझे अडेप्ट करने में लगा वो कल्चर कि ऐसा भी है, नहीं तो वहाँ तो मुझे फंडनगर में तो वही देखा था, एक लड़की निकली होए होए जी बैठ लो जी वो वाला सीन है। तो वहाँ जाके देखा भाई बड़ा मतलब नॉर्मल है, लड़कियाँ सिगरेट पी रही हैं, खड़ी हो गए ठेके से दारू खरीद रही है, तो बड़ा नॉर्मल था। फिर वहाँ पे एक केमिस्ट्री, मैं भी ये सोचता था भाई कोई लड़की ना मेरी दोस्त बने, क्योंकि वो मूवी देख ली थी, लड़की लड़कों के ग्रुप होते हैं स्कूल में, तो हम लोंडो के साथ ही बैठे थे, तो मेकअप शीट देख ली भाई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख ली थी। तो वहाँ पे गया मैं, तो एक केमिस्ट्री ऑनर्स की एक लड़की थी, जब एक महीना हो गया ना वो कंप्यूटर लैब में, कॉमन पीरियड होता था केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स ऑनर्स का, वो आई मेरे पास कहती हेलो लक्ष्य मैं केमिस्ट्री ऑनर्स में हूँ ऐसे ऐसे, उतना नाम बताया मैंने कहा हाय, कह रही कि यार मैं यहाँ 5 मिनट बैठ सकती हूँ। मैं सोचा मैं इतना एडवांस शेयर है भाई लड़की खुद ही कह रही है बैठ रहे, मैं बैठ जाओ जी। फिर कहती कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, मतलब आपके पापा क्या करते हैं? तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार ये इतने आगे की बात क्यों कर रही है, ठीक है। फिर मैंने 2-4 जवाब से दिए जो भी मुझे ठीक लगा वहाँ पे। फिर उसने मुझे बताया कि हम ना एक ग्रुप बना हुआ है, हम लोग ना बिजनेस करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम सिर्फ कॉलेज में पापा के पैसे नहीं बर्बाद करने हैं, हम फीस अपने पैसे से खुद भरेंगे और अगले साल गाड़ी भी आ जाएगी, वही सब। तो उसके बाद उसने कहा कि कल एक सेमिनार है, संडे था अगले दिन, आप मेरे को 50 रुपये दे देना अगर आपको चलना होगा सेमिनार का। लक्ष्य देखो बहुत अच्छा क्राउड आने वाला है, क्राउड बहुत अच्छा है। ओडी मर्सिडीज वाली भी बातें आ गई थी, मतलब ये ओडी वाली तो ऐसी बात है ना कि आएगी ही आएगी, ओडी तो उनके सबके पास है तो ये बात जरूर लाएंगे। और उससे एक एक्सपीरियंस ये था, फिर मुझे ना मेरे रूममेट ने बता दिया था भाई ऐसे वैसे वाला सीन है मत जा। और फिर अगले दिन मूवी पे सब बच्चे जा रहे थे, तो मैं उनके साथ मूवी पे निकल गया, तो मैं वहाँ पे गया नहीं था ना, मैं उठ पाया था उस टाइम तक, क्योंकि सुबह 9:30 बजे होता है ना वो, तो सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना, वो मीम देखा हो तुमने सुबह 9:30 बजे आ जाना। एक हुआ था मेरी मम्मी को ओरिफ्लेम करके ब्रांड है भाई, ये चीज तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ओरिफ्लेम में सब लोग बड़े लोग करते हैं, आंटी अंकल कर रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी ऐसे रहती है 1,50,000, जो हमारे वाली है जो मैंने भी की थी वो 10,000 की थी, हमारे वाली भी 11,000। तू फंसा था? नहीं करा था, अच्छा मतलब ये बस इतना ही सीन हुआ, मतलब तू सोता रह गया तो बच गया। मीटिंग में तो गया था, मतलब जो नहीं मीटिंग में भी नहीं गया। और मम्मी वाला टाइम ऐसा था कि मम्मी ने कहा कि मैं तो इतने प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती, तो क्या फायदा ये वो, तो वो आंटी बहुत बार आई। फिर मुझे अब जाके पता चला कि ओरिफ्लेम भी MLM स्कीम पे ही काम करती है। भाई मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हम कॉमेडी लिखते हैं तो हम तो स्टोरी राइटिंग करते हैं, कैरेक्टर के हिसाब से जोक मार सकते हैं, पर आप करते हो रोस्ट किसी बंदे को या किसी ग्रुप को या जो भी कह लो, तो आप कितना टाइम लगता है स्क्रिप्ट लिखने में, और कितनी बार ऐसा होता है कि यार इस जोक पे तो हंसी नहीं आ रही, खुद लिखते लिखते भी वो कैसा प्रोसेस रहता है? और कभी ऐसा हुआ है कि लिख दी शूट भी कर दी पर यार मजा नहीं आ रहा, छोड़ो इसको मैं डाल ही नहीं रहा, ऐसा हुआ है कभी? मैं बता रहा हूँ क्या होता है ना, मतलब लिखने का तो जो पूरा प्रोसेस है ना स्क्रिप्ट का ऐसा है कि इस मतलब लिमिटेड टाइम तो है ही नहीं, क्योंकि आप पूरा टाइम आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है अगर आपको रिलेवेंट रहना है, क्योंकि वही जोक आप मारोगे वही ट्रेंडिंग टॉपिक उठा के लाओगे, तो मतलब फ़ोन तो पूरा दिन चलता है, इंस्टाग्राम फेसबुक तो इतना नहीं चलाता, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे पूरा एक्टिव रहता हूँ मैं। फिर वहीं से ही कुछ कुछ चीज़ें, एक तो मैं जोक लिखता रहता हूँ, मतलब कुछ आ गई ना पंच लाइन दिमाग में सोते हुए उठते हुए या कुछ देख के, तो लिख लूँगा फिर उसको कहीं भी फिट करना हो। फिर ज़्यादातर तो मैं चूज़ करता हूँ कि यार रोस्टिंग का वैसे कल्चर ही यही है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही करते हैं ज़्यादातर लोग ना,
तो ज़्यादातर या तो ट्रेंडिंग टॉपिक आ जाए, कोई चीज़ ऐसी वायरल हो जाए, या फिर मिल के एक दो रोस्टर से बात ऐसे थगेश से हो गई, किसी से हो गई, तो बात करके कर लेते हैं कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग कराते हैं, इस बार इस पर रोस्ट करेंगे, जब तीन चार लोग करेंगे तो ट्रेंड हो जाएगा। ऐसे बहुत करे भी हैं जैसे जोगिंदर वगैरह वाला। तो एक पहले मतलब राइटिंग की प्रोसेस ये रहती है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब लिख लेता हूँ ना तो शुरू में तो मुझे हंसी आएगी, फिर जब पूरी लिख के दोबारा देखता हूँ ना हंसी नहीं आती बहुत सारी चीज़ों पे। तो ना मैंने दो तीन बहुत नॉर्मी दोस्त पकड़ रखे हैं जो वो हाथी चींटी वाले जोक पे भी हंस सकते हैं, तो उनको बिठा के सुनाता हूँ। तो तेरा कॉन्फिडेंस भी आप इसको रिकॉर्ड कर लो, बढ़िया। तो जब जहाँ जहाँ वो हंस दिए ना वो सब टिक 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 कर लूंगा, जहाँ उनको नहीं हंसी आई तो वो मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप बहुत डार्क और डैंक ऑडियंस में घुस जाओगे ना तो आपका मतलब इतना सा स्लैब रह जाएगा, आप बहुत ज्यादा कर नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा वैसी चीजें करनी पड़ती हैं। आप लोग मतलब लोग ना बड़े प्राउडली ऐसे बोलते हैं हमारे तो बस टीयर वन ऑडियंस है, लेकिन मैं कहता हूँ जिसकी टीयर टू टीयर थ्री होगी ना, टीयर वन ऑडियंस है ही नहीं यूट्यूब पे, ये कहने की बातें हैं। जिनकी जो टीयर टू टीयर थ्री में मजे ले रहे हैं ना वही बढ़िया है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा जम के देखते हैं इन चीज़ों को और रेगुलर मतलब स्टिक हो जाते हैं अपने। टीयर वन वाले प्यूडीपाई देख रहे हैं या वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं सारे? भाई कॉरपोरेट में पढ़े हैं वो तो शाम को नेटफ्लिक्स ही देखते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। जैसे मान ले तू ये कर रहा है, रोस्ट कर रहा है किसी को, तूने डिसाइड किया कि मैं इसको रोस्ट करूंगा, तुमने गुट बनाया अपना, ठीक है, चार पांचों ने करा स्टार्ट, तो तुम पे कभी ऐसा हुआ कि यार ये तो बहन जो बैकफायर करके, या फिर तुमने जो सबूत दिखा के तुम करते हो वो साले तुमने गलत दिखा दिया हो, ये अपने आप उल्टा पड़ गया? हुआ है वो, बाबा का ढाबा में हो गया था। बहुत तगड़ा हुआ था, कुछ बता। बाबा के ढाबा में क्या हुआ, वो लड़के ने वो बाबा के ऊपर वीडियो बनाई, सब बनाया, तो एंड में क्या होता है ना, पैसा है ना, पैसा सबका बाप है। उसने वो वीडियो बनाई, वो वीडियो मतलब उसने तब सच्चे मन से बनाई थी वो स्वाद ऑफिशियल ने, बट बाद में क्या हुआ कि जब उसने वो पैसा वैसा देख लिया ना, हमने जितना क्रॉस चेक किया तो उसको ऐसा लगा कि यार मेहनत तो मेरी ही थी, बाबा तो हमेशा से इसी कंडीशन में था, वीडियो मैंने बनाई, शेयर मेरे पेज से हुई, तो जो पैसा है ना उसने थोड़े बहुत जुगाड़ लिया, अपना क्यू आर कोड लगा देना, किसी और का बैंक अकाउंट दे देना, तो कुछ पैसा उसने अपने पास रख लिया। वो चेक नहीं दे गया जो मैंने बताया था कि वो चेक वो नहीं दे गया, मेरी वीडियो के बाद गया वो देने, जब हमने वीडियो बना दी मैंने और एक दो दोस्तों ने मेरे। तो फिर क्या हुआ ना कि बाबा ने, जब वो कंट्रोवर्सी चलती रही, बाबा ने एक ऐसा काम कर दिया, वो चढ़े चढ़ाए में उन्होंने एक इंटरव्यू में बोल दिया, हम तो उसको बुलाए नहीं थे, वो तो खुद आया था, हम थोड़ी गए थे। तो वो चीज़ इतनी उल्टी हो गई ना कि मुझे 10,000 कमेंट थे मेरी वीडियो पे, तब तक मेरी वीडियो पे 25,000 कमेंट हो गए उस रात, जिसमें 15,000 कमेंट सिर्फ गालियां थी, सिर्फ गालियां, लोग गौरव के फेवर में होगा। हाँ, सब रात में मतलब, और मीम पेज ने वो इतनी शेयर की, वो चश्मा लगा के बाबा खड़े हैं ऐसे। तो बहुत गाली पड़ी, मतलब पहली बार कोई चीज जो बैकफायर कर गई बहुत गंदी हो गई। तो ये जो गालियां पड़ती हैं, जो हेट आती है, वो कितनी इफेक्ट करती है? लोग कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं होता है यार कि यार जब शुरू में यूट्यूब पे था ना, मतलब जब तक एक्सपीरियंस नहीं था, तो जब एक दो बार गालियां पड़ी, कुछ हो गया, तो ईमेल आ गया, कुछ आ गया ना, तो तब तो बहुत बुरा भी लगता था, डिमोटिवेट हो गया, सोचता है छोड़ दो यार यूट्यूब, कुछ और करेंगे। हाँ, फिर धीरे धीरे ना मैं रियलाइज कर लिया, मोटी चमड़ी हो गई ना, कि ये सब चीजें इस फोन से है, इसको बंद करके रख दो ना तो कुछ नहीं है रियल लाइफ में, कुछ भी नहीं है। लक्ष्य करे कुल मिला के आप पैसे भी तो आ ही रिया साले। हाँ, कंट्रोवर्सी करो, पैसा कमाओ, पैसे लेके घूमने निकल जाओ जब तक गालियां पड़ रही हैं। बात हो रही थी अभी थाईलैंड की। थाईलैंड चले बूम बूम, थाईलैंड का प्लान कर रहे हो भाई, क्या सीन है आप? बूम बूम का ही सीन है भाई। तो भाई कभी ऐसे मीन कॉमेंट्स भी आ जाते हैं ना कि भाई हेट फैला रहे हो, या तुम्हें भाई इतना नहीं जाना चाहिए था, इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, तो कभी खुद को बुरा लगता है कि यार सही कह रहा है, इस हद तक मैं थोड़ा ज़्यादा चला गया इस रोस्ट में, या कभी ऐसी फीलिंग आई है? आमिर सिद्दीकी के लिए आई थी जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था ना, उसमें लेकिन सारा हाथ तेरा भी नहीं था। हाँ, मतलब वो ऐसा हो ना, मतलब कोई चीज़ अगर मैंने शुरू कर दी ना, फिर कोई बंदा कुछ भी कर रहा है ना उसमें, तो मेरे नाम लग जाएगा। वो वाला सीन था कि मैं रुक भी गया, मुझे पता भी है चीज़ें बहुत आगे जा रही हैं, लिमिटलेस हो गई हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर वो कुछ ऐसा गलत सलत स्टेप ले लेता ना, आमिर सिद्दीकी जितना उस पर हेट पड़ रही थी, तो मतलब हमें तो जेल जाना पक्का ही था, कि भाई हम तो खिंची जाते कि शुरू इन्होंने किया था। तो तब मुझे बुरा लगा था, मतलब कि यार जब कमेंट आ रहे थे ना कि यार तुमने कुछ बहुत ज़्यादा कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था, तो तब मुझे बुरा लगा। भाई लेकिन वो ऐसी चीज़ करता नहीं, क्योंकि उसके लिए भी गुदा चाहिए उसमें थोड़ी। तो भाई वहाँ से तूने लर्निंग ली कि आगे के लिए मैं थोड़ा तब से इतना ब्रूटल रोस्ट करना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक ही बंदे को गाली भी देना कम कर दिया, बंद ही कर दिया, अब तो देते ही नहीं है। तो क्या गाली क्यों बंद कर? मतलब मुझे ना किसी ने मतलब एक मैसेज, मतलब एक ही बता रहा हूँ, वैसे आए बहुत जिस पे मैंने थोड़ा ध्यान दिया, जिसको रिप्लाई कर दिया। कोई आंटी थी मतलब ठीक ठाक एज की, उन्होंने कहा इतना बड़ा मैसेज था, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, मेरा बेटा है 8 साल का, हम सब देखते हैं, बट आप जो गाली देते हो ना वो घर पर देने लगा।
आपसे सीख के, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बट वो गाली देने लगा, उसको लगता है ये सब चीज़ें फ़नी हैं, अच्छी हैं, 8-9 साल का बच्चा। फिर मुझे लगा मैं चलो यार अगर हम गाली हटा देंगे थोड़ी सी, मैंने कहा क्या पता तब भी ये होता है, चीज़ तो है। तो लेकिन कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब आज भी बढ़िया ही है, लोग ज्यादा शेयर कर पा रहे हैं। गालियां कम हुई तो व्यूअरशिप बढ़ी है या कम बढ़ गई? बढ़ गई, गालियां कम होने से व्यूअरशिप बढ़ी, मतलब एक ना वो जो 25 से 35 वाले लोग हैं वो ज्यादा जुड़ गए। हाँ वो फैमिली कंटेंट बनने लग गया ना, तो अब लोग टेंशन फ्री टीवी पे चला लेते हैं, मतलब ऐसे बताते भी है मुझे कि चला, अब मैं व्लॉग में गालियां देता हूँ पूरा दबा के ना, कुछ भी बोल देते हैं, तो व्लॉग आज तक भी कोई हमारे टीवी पे नहीं देख सकता, ये नहीं पता ना क्या बोल दें, तो सब कुछ हमारे साथ उल्टा हो गया। अब हमारे साथ हमारी वीडियो टीवी पे अभी नहीं चलती, पहले चलती थी। हाँ अब हम फुल गाली, हम हर्ष से भी बैठे थे पॉडकास्ट में, हर्ष बता रहा था, तो वो भी यही कहता है कि यार मैं यही कहता हूँ कि 18 प्लस ऑडियंस ही मेरी वीडियो देखे, मैं चाहता ही नहीं बच्चे मेरी वीडियो देखें। अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो हम डिस्क्लेमर देते हैं, तो वो माँ बाप की गलती है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है आपको ही नहीं पता, या तो फिर आप किड्स वाला करके दो, क्योंकि हम उनके लिए नहीं बना रहे कॉन्टेंट, हम 18 से 24 के लिए बना रहे हैं। तो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था जहाँ हम भी कहीं ना कहीं अग्री कर रहे थे। लेकिन हाँ मैं दो चीज़ बता दे रहा हूँ, मतलब वो ठीक है अपनी जगह बिल्कुल, और बहुत लोग करते हैं ऐसे कि हाँ ठीक है यार, मतलब राउंड 12 इतने व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे तो व्यूज़ कुछ भी नहीं है उसके उनके आगे, लेकिन वो गालियाँ देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मुझे दो गाली देनी है ना, तो बेटर है मैं वो दोनों हटा ही दूँ। अगर दो ही गाली देनी है भाई, दो बार ही बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि मेरे देखो अब वो तो बना रहे स्केच, अब आपस में आप कितनी भी गाली दे दो, आप शुभम को दे रहे हो, आप दीपक को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे रहा हूँ उस बंदे को, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसलिए गाली इसलिए भी देता कि सामने वाला ना डिफेमेशन का तो नहीं केस कर सकता ना इस चीज में। हमारी तो फिर भी साल में हो जाएगी कि भाई एक्टिंग चल रही है, एक्टिंग चल रही है, यहाँ तो एक्टिंग नहीं चल रही, यहाँ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आप माँ बहन की कर दोगे दूसरे को, तो जो नहीं भी भड़कनी थी बात वो भड़क जाएगी, वो वाला सीन भी है। तो भाई आपने इतने लोगों पे किया है रोस्ट, कभी ऐसा हुआ कि आप पे रोस्ट हुआ है और आपको लगा हो यार इसने मेरे पे कैसे रोस्ट कर दिया, इसको तो मैं अभी मैसेज करता हूँ, मैसेज डाला हो कि मेरे को कैसे रोस्ट कर सकता है ये। है एक बंदा किंग पोलो करके था यूट्यूबर, बहुत खतरनाक रोस्ट किया था उसने। अच्छा। और मुझे बड़ा गुस्सा भी आया। एक और लड़का था आपका जैक्स करके, उसने इंस्टा पे वीडियो बनाई थी मेरे अगेंस्ट, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मतलब फनी वीडियो थी बट एक डैंक ऋषु ने भी किया हुआ है। हाँ डैंक ऋषु ने भी किया था, तब तो कुछ अलग ही लेवल पे गई हुई थी ना कॉन्ट्रोवर्सी। तो हाँ किंग पोलो और इसकी आपका जैक्स का मुझे बड़ा गुस्सा आया, उसके बाद कुछ बातचीत तो कुछ नहीं हुई, बट आज की डेट में किंग पोलो मतलब मेरे लिए स्क्रिप्ट भी लिखता है, आपका जैक्स से भी बातचीत है, सब कुछ है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ हो रहा हो ना इग्नोर ही कर दो उसको थोड़ा सा ना, अगर आप गुस्से में भड़क जाओगे ना तो वो जो बात बन सकती थी वो खराब हो जाएगी पूरी। रोस्ट का ऐसा है 5-6 दिन रहता है बस, उसके बाद सब दोस्त बन जाते हैं। मैं रोस्टिंग से ही दोस्त बनाऊँ सबका, जितने भी लोगों से बातचीत है सबका रोस्ट मारा है शुरू में। अब हमारे से दोस्ती पड़ गई तो हमारा भी वो तो और बढ़िया है ना, दोस्ती के बाद तो रोस्ट करना और इजी है, कॉपीराइट का भी डर नहीं रहता। ये भी ठीक है। तो भाई रोस्टिंग हो गई और आप कह रहे व्लॉग भी चल रहे हैं, तो आगे का क्या प्लान है, मतलब इसके आगे कौन कौन से कंटेंट आप प्लान कर रहे हो कि मैं ऐसा ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा कुछ है आपके माइंड में? मतलब मेरा मेन तो एम यही है कि हम ना थोड़ा सा व्लॉगिंग में ना इंडिया में एक लोगों के दिमाग में है कि व्लॉगिंग का मतलब सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर हम 3-4 लड़के आज इस एज में पैसा कमा के इस एज में अपना मतलब लाइफस्टाइल जो दिखा सकते हैं अगर वो दिखाएं उन लोगों को जो कॉलेज जा रहे हैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मतलब यूथ व्लॉगिंग बेसिकली जैसे लोगन पॉल वगैरह करते थे, बट उनका थोड़ा अलग लेवल था इंडिया के हिसाब से। भाई वो तो पोर्न स्टार दोस्तों को गिफ्ट कर दे रहे हैं बर्थडे में, वो कर दिया था कोई लाना रोड ले जा रहे कोई कुछ ले जा। तो ये वाली है कि मैं चाहता हूँ कि हल्का सा उस तरफ व्लॉगिंग ले जाएं कि थोड़ा यूथ रिलेट करे, वो बच्चे मम्मी पापा यही ना हो पूरे में। और मेन चैनल का हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसको कमेंट्री और रोस्टिंग हो ना स्केच में कन्वर्ट कर दें। वो मतलब हमारा भी धंधा खा जाओ, हमारा जो चल रहा है हम क्या करेंगे, जैसा हर्ष बेनीवाल का होता ना अ डे विद क्रिंज टिकटॉकर करके, उस टाइप से मतलब रोस्टिंग के बीच में वैसा स्केच डालो, वो रोस्ट भी हो जाए। और तो ये स्केचेस तो अभी इंटीग्रेट कर देता है अपने, अभी थोड़ा पैरोडी टाइप रहते हैं बस वो, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्रोडक्शन बजट बढ़िया, जैसे तुम लोग वीडियो बनाते हो ना थोड़ा उस लेवल पे हो तो और बढ़िया लगेगी। ये भाई व्लॉगिंग साले व्लॉगिंग कितनी बढ़ गई है इंडिया में यार, फैमिली वाली, फैमिली वाली साले। तुझे क्या लगता है ये जो सीन चल रहा है सैचुरेट भी तो हो गई, लेकिन ये कब तक चलेगा भाई फैमिली फैमिली, मतलब लोग बेड के अंदर घुसना चाहते हैं भाई, मतलब लोग सुहाग रात भी, मैंने टाइटल देखा था भाई सुहाग रात, ये मतलब क्या है। एक यूट्यूबर तो पिछले मैं परसों के ब्लॉग में भी डाला था, एक यूट्यूबर पिछले 90 दिनों से लगातार डिलीवरी ब्लॉग डाल रहे हैं। हाँ अभी भी खोल ले चैनल,
अगर ना दिख गया ना यूट्यूब पे, आज का भी डिलीवरी व्लॉग होगा और सारे चल रहे हैं सब, एक एक मिलियन डेढ़ डेढ़ मिलियन इस आड़ में बैठे कि डिलीवरी दिख रहा है साली बस साले। और बच्चा हुआ नहीं अभी तक भी नहीं हुआ उन चीजों के लिए अलग वेबसाइट। मुझे ऐसा लगता है कि जो आंटियां सास बहू देखती थी ना अब वो यूट्यूब पे आ गई, अब उन्हें फैमिली ड्रामा यहाँ देखने, लोगों की लाइफ देखने में मजा आ रहा है। खुद ऐसे ही ब्लॉगर देखती है, मतलब फैमिली ब्लॉगिंग ना। हाँ ऐसे घर वालों ने टीवी देखना छोड़ दिया, घर वालों ने भी, हमने तो बहुत पहले छोड़ दिया था, तो जो मम्मी है ना सबकी ऐसे तो वो शिफ्ट हो गई। एक साल से रिचार्ज ही नहीं हुआ भाई हमारे घर में टीवी में। टाटा स्काई पहले तो टाटा स्काई रिचार्ज करा दे, ये करा दे वो करा दे, अब तो होता है वाईफाई में जल्दी पैसे डलवा। हाँ, वाईफाई गई है पूरा। तो फैमिली व्लॉगिंग पे हाँ, इंडिया में यार बिग बॉस वाला देश है, मैं बता रहा था ना, तो यहाँ को पे वो चाहिए। और मतलब तुम ध्यान से देखोगे ना फैमिली व्लॉगर भी कोई कोई ऐसा होता है कि मतलब कुछ चीज़ें ना ऐसा लगेगा तुम्हें कि ये शायद इस जगह इसने कैमरा खोल भी रखा होगा इंटेंशनली कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी शूट करे रखते हैं कि बच्चा गिर रहा है, बच्चे को चोट लगी हुई है या डिलीवरी हो रही है। मतलब डिलीवरी की आप लोग कैसे बना दो, मतलब आपकी बीवी वहाँ पे पेन में, आप ऐसे कर रहे हो, हाँ हाँ हुआ, अच्छा सहो थोड़ा, बहुत अच्छी हो, ऐसे वैसे, तो मतलब उसकी इंटेंशन तो शूट करने की है ना। हमें ही तो दिख रहा है कि वो लेटी हुई दर्द में, लेकिन ये सोच लो उस कैमरे के पीछे एक बंदा है जो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन लोग ये इंटेंशन नहीं समझते ना कि उसने किस जगह कैमरा खोल लिया था। भाई हम भी व्लॉग करते हैं जैसे, तो हमारा क्या रहता है कोई किसी एक का पर्सनल व्लॉग चैनल है नहीं यहाँ पे, मतलब क्योस मचता है उसी को हम व्लॉग की तरह डाल देते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब भाई ना दिमाग में आता ना मन करता व्लॉग करने का, हालांकि पता है कर देंगे तो व्यूज फटेंगे। जैसे कुछ दिन पहले हम नया लैपटॉप लेकर आए, उसका व्लॉग बनाया, वो लैपटॉप टूट गया, मतलब अगले दिन वो टूट गया किसी रीजन से। तो अब उस माइंड उसमें है कि क्लिक बेट लेके ब्लॉग बना दो, पर गुस्सा भी आ रहा है, तो भाई वो नेचुरल चीज आ ही नहीं पाती। तो यही नहीं समझ आता कि कंफ्यूज, तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई किस्सा हुआ हो कि यार इसको ब्लॉग में डाल दूं पर मैं खुद इतना वो कि ब्लॉगिंग कर कैसे लूं। अरे अभी गाड़ी ली है ना, ये अल्ट्रोज ली थी हमने, तो क्या हुआ वो उसमें ई रिक्शा आगे लगी, एक हफ्ते पहले की बात है, वो इतनी तेज लगी मुझे लगा लाइट टूट गई। मैं निकल के गया देखा उस पर डेंट, मतलब मुझे ना इतना वो होता था गाड़ी गाड़ी को नुकसान हो जाए ना, अजीब सा वो होता है दर्द उसमें। तो मैं चाहता मैं व्लॉग कर लेता, फिर मैं सोचा मैं क्या व्लॉग करना यार, मतलब मूड ही नहीं हुआ उसका व्लॉग करने का ना, मुझे देख देख के इतना दर्द हो रहा उसको। हालांकि अगर तू व्लॉग कर लेता तो व्लॉग के पैसे से वो ठीक हो जाती आ जाता, लेकिन कई बार ना वो अंदर से वो एनर्जी चली जाती है ना, इतना गुस्सा या इतना वो पेन होता है उस टाइम पे ना कि आप कर ही नहीं सकते, बट लोग कर लेते हैं यार। मतलब कंटेंट क्रिएशन आसान नहीं है, ये ना वो लोग कर लेते हैं जो सिर्फ व्लॉग व्लॉग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनकी लाइफ व्लॉग हो चुकी है, वो उस जोन में है कि भैंचो कुछ हरकत हो लाइफ में, भैंचो कैमरा, वो ई रिक्शा वाले को पैसे भी दे सकते हैं कि आके जरा ढूंढ दे थोड़ा सा। मतलब ऐसा है ना, मैं अभी भी यहाँ है ना, तो मुझे है कि चलो व्लॉग भी शूट करूंगा ना, मैं ऐसे एंड में खोला कैमरा, थोड़ा बहुत बात बताई, हो गया लोग। लेकिन मैंने देखा है मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जो एकदम से ऐसी जगह कैमरा खोल देंगे ना कि तुम कहीं मूत रहे होंगे या पैंट नीचे है, वो कैमरा खोल देगा, तो वो वाला सीन हो जाता है। मतलब उन लोगों का ना फिर लगता है कि हाँ भाई इनकी पूरी लाइफ व्लॉग है, इनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। तो अभी तेरी पूरी लाइफ व्लॉग नहीं है अभी? नहीं, मैं दिन के 2 घंटे शूट करता हूँ बस, उसी में ही पूरा दिन दिख जाता है लोगों को, ऐसा ही होगा। तो तू डेली कर रहा है व्लॉग? हाँ अभी डेली डाला, हम लोग भी तो मैन पावर भी तो ज़्यादा है अपने पास, शूट भी हर्ष करता है, एडिट भी वही करता है, मैं थोड़ी बहुत क्लिप रिकॉर्ड कर लेता हूँ बीच बीच में, तो पूरा हो जाता है पूरे दिन का। एक अगर अकेला होता तो पॉसिबल नहीं था। कितने लोग हैं भाई टीम में टोटल? मतलब 5-6 हैं, लेकिन जो एक्टिवली करते हैं वो हम 3 ही लोग हैं। और डेली मतलब कंफ्यूजन नहीं होती यार आज क्या नया दिखाएं, या कुछ प्लान नहीं करते बस जो हो रहा है वही दिखाओ? मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भी दिखा रहा हूँ ना उस चैनल पे, ऐसा ही 1 लाख व्यूज आते ही आते हैं। और लोगों को मैंने, हम ना ट्रिप पे गए, सब जगह गए ना, तो लोगों ने ये बोला कि यार हमें ट्रिप नहीं देखनी, ट्रिप तो और यूट्यूबर दिखा रहे हैं, आप ना घर पे जो बकचोदी करते हो वो दिखाओ। लोगों को वही पसंद है, यही कि तेरी बीवी सरकारी वाली आएगी, ठीक है तू कितने रुपए में अपने बीवी को छोड़ देगा, मैं ये सब बकचोदी करते रहेंगे हम, लोगों को मजा आता है उन्हीं बातों में। ये बढ़िया चीज़ है, सही चीज़ चालू कर दी तूने। हाँ लोग वही दे, वही टाइम स्टैम्प कमेंट करते हैं उस पर। हमने सब कुछ ट्राई किया ना कि ये थोड़ा सा ऐसा वो होता है ना कि उसमें इफेक्ट डाल लें, कुछ तरह का ट्रांजिशन डाल लें व्लॉग में, कुछ पसंद नहीं भाई, रो होना चाहिए, नंगा एकदम, नंगा व्लॉग हो, गाली बक रहे हैं कुक को, गाली बक रहे हैं अपने, ये गिर गया वो गिर गया उसका कच्चा फट गया, वो व्लॉग चाहिए भाई। लोगों को पसंद है नेचुरल चीज़ें, जितना आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करो वो लोगों को पसंद कर, दिल से दिल तक जुड़ जाते हैं फिर आप। वही यार, तो मैं अभी तक तो वही वर्कआउट कर रहा है, तो अभी उसी के साथ चल रहे हैं। घर वाले देखते हैं व्लॉग या? हाँ देखते हैं, मतलब क्या रहता है घर वालों का?
एक बार कुछ लड़की वड़की से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे कि क्या जब तेरी शादी होगी तू अपनी बीवी को हम में से कौन से दोस्त के भरोसे पे छोड़ के जा सकता है। वो कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है वो ऐसा। तो ये वक्त चौधरी चल रही, सब आपस में क्वेश्चन पूछ रहे थे। भाई रात को मम्मी का फोन आया, जैसे व्लॉग डाला ना रात को, कह रही मम्मी, कह रही तुमने सारी पढ़ाई लिखाई हमारी नाश कर दिया। कह रही अब रिश्तेदार भी देखते हैं बहुत वीडियो ऐसे वैसे। मैंने कह रही तो बहुत आम बात है। मम्मी कह रही, फिर कहती है ना कि रोस्ट में तो एक्चुअली वो एक तरीके है, वो एक अलग पर्सनैलिटी है रोस्ट की, बट व्लॉग में तो तू असली है ना, तब तो लोग कहेंगे तो असली है इसकी। ये तो लग जाए गाली दे रहा माँ बहन की। कह रही तेरी शादी नहीं होने की, मैं कोई नहीं भाई। इसका डर तो मेरे को भी लगता है क्योंकि मैं कुछ खास ज्यादा गालियां देता हूँ वीडियो पे। वो सोनू बदतमीज वाली, तो मेरे को डर लगता है इन चीजों को लेकर। मैं बात करता हूँ ना घर में, नहीं आएंगे भाई रिश्ते। तो वो क्या हमारे यहाँ हो ना, भंजी लग जाएगी भाई, वीडियो ही जाएगी उसमें, वो देख ले लोंडा क्या करता है। तो भाई अगला रोस्ट प्लान्ड है अभी? अब तो एक 2 मिलियन Q&A है, मतलब जो नेक्स्ट है ना, और उसके बाद हाँ एक और है, एक वो ही है, एक ना सिद्धार्थ शुक्ला जैसा दिखने वाला बंदा है, तो वो उसके डायलॉग पे बहुत वीडियो बना रहा है, वो बढ़िया क्लाउड लपेट रहा है, तो उसके ऊपर ही है। ये रोस्टिंग में क्लाउड का बहुत सीन रहता है ना भैंचो, उसने कुछ कहा ना भैंचो, मैं भी कहता हूँ मेरे को भी आ जाएंगे व्यूज। मतलब रोस्टिंग इजी कंटेंट बोल सकते हैं व्यूज के मामले में, मतलब मेहनत तो है आपको पूरी वीडियो ना, मतलब बहुत लोग रोस्ट करते हैं, पर रोस्टिंग में ना एक थोड़ा सा सीन है स्क्रिप्टिंग का, आपकी स्क्रिप्ट ना ऐसी होनी चाहिए। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं ना, पहली सेकेंड से ऐसे रोस्ट शुरू करेंगे जैसे कि ऑडियंस को ऑलरेडी पता है वो किसका कर रहे हैं, बट रोस्टिंग ऐसा आर्ट है कि आप ना शुरू के 2 मिनट तक एटलीस्ट इंट्रोडक्शन दो ना उस बंदे का, कि वो उसका इंट्रो दो कि एक्चुअली वो है क्या। जैसे जोगिंदर था, अब भले ही वो कितना भी वायरल है, लेकिन एटलीस्ट 2-2.5 मिनट बताओ ना लोगों को कि ये कर क्या रहा है हरकत है, उसके बाद उसका रोस्ट शुरू करो। लेकिन कुछ लोग नहीं करते, फिर कहते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे ना। रोस्ट पे जनता चिपकती तब है जब तुम 2-3 मिनट उसको ठंडा रखो और बाद के कुछ मिनट फाड़ दो, या फिर जब उस पर पार्ट 2 ला रहे हो तब फाड़ दो पूरी। तो वैसे वाला सीन है, और ईजी कॉन्टेंट है यार, मतलब आपको सीधा आप कितना अच्छा क्लिक बेट कर सकते हो, जोगिंदर ट्रेंड में जोगिंदर रोस्ट डाल दो सीधा। बट भाई इजी वो तेरे को लगता है क्योंकि तेरे में अंदर वो स्किल है कि तू लोगों को बांध पाए, हंसा पाए, तो बस मतलब है कि राइटिंग अच्छी है तेरी, बस चमड़ी मोटी चाहिए रोस्टिंग में ना। हाँ, गाली खाने के लिए चमड़ी मोटी चाहिए, और जाके भी होनी चाहिए पीछे। हाँ। भाई लाइफ थ्रेट तो आए होंगे वैसे कभी, जैसे कम्युनल मुद्दे उड़ जाते हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग हो जाता है, मतलब बहुत आए हैं ट्विटर पे झगड़े होने के बाद, तो बहुत आए हैं घर के बाहर तक बंदे सब आए हैं। हाँ मतलब खूब आए हैं। एक ईमेल आया था मुझे ना, मेरा फिर से नहीं बता रहा यार, समझा करो, फिर से नहीं करना चाह रहा हूँ। एक ईमेल आया था मुझे ना, सलमान खान वगैरह पे वीडियो बना दी थी, तब एक ईमेल आया था, टिकटॉक वर्सी यूट्यूब चल रहा था, तो उसमें एड्रेस वेड्रेस गाड़ी का नंबर सब कुछ था, ऐसे जाता है वैसे जाता है फलाना डिमका ना। अच्छा, तेरी पूरी सब रूटीन था, सब था कि ऐसे था, गाड़ी वहाँ रहती है तुम्हारी ये वो। तो उसके बाद मतलब पहले तो मेरे को लगा कि यार अगर इससे, उसने मतलब मेरे को बोला कि यहाँ मिलना है, यहाँ देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तू वहाँ जाता है। पहले तो मैं सोचा इग्नोर करूँ, ना जाऊँ, कभी कुछ बात ही हो जाए ये वो। फिर मुझे लगा, मैं गया यार आज डर गए तो फिर ख़त्म है सीन, अगर ये सच में कोई होगा ये देखेगा मैं गया नहीं, तो सच में सोचेगा डर गया। तो मैं घर पे बता दिया अपने पापा हमारे ऐसे हैं भाई, वो वैसे मतलब वो ये कहते हैं भाई किसी को कुछ कहना वहना नहीं अपनी तरफ से, और या तो फिर उसके बाद या तो पिट के आइयो अच्छे से, या पीट के आइयो, ये नहीं होना चाहिए जी एक उसने मार दिया एक मैंने मार दिया ख़त्म हो, या तो अच्छे से पीट दियो या इतना पिट के आ जाइयो कि हमारा खून खोल जाए। तो मैं गया, कुछ भी नहीं हुआ, मैं वापस सेम रूटीन फॉलो किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो बस वही तो है, मतलब तू इस पर्सन से मिला जिसने ना, कोई था ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चला कौन था क्या नहीं था। अच्छा। हाँ। तो बस एक ही बार ऐसा हुआ, मतलब वैसे तो बहुत थ्रेट आया, पर शेड्यूल कैसे पता लगा लिया यार पूरा कि ये यहाँ जाता है फिर यहाँ से, पता नहीं कौन ही था, कुछ तकड़ी सोर्स से लगाई है मुझे लग रहा है किसी ने। लेकिन अब जब सिद्धू वाला इंसिडेंट हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ लोगों के इंटेंशन आप नहीं पता लगा सकते। अब तक नहीं, तो मैं ऐसा था ना किसी से लड़ाई भी हो गई कोई मुझे कहीं बुलाए मैं पहुंच जाऊंगा, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऐसा हो गया कि यार भाई जिंदगी एक बुलेट की है भाई। स्टार्टिंग में होता होगा ये चीज़ लक्ष्य है कि जैसे मान ले व्यूज चाहिए तो किसी भी हद तक रोस्ट पे गिर जाएंगे। अब थोड़ी होता है, जैसे मान ले 2 मिलियन का खड़ा हो गया चैनल, अब तेरे को ये कि यार नहीं तरीके से ही करूँगा साले, ज़्यादा ना बढ़ जाए चीज़ें, या वैसे जैसे तू बता रहा है कि घर तक आ गए थे लोग, है ना, क्योंकि अब तो भाई पैसे भी बनाने हैं, 2 मिलियन खड़ा हो गया चैनल, व्लॉग भी चल ही रहा है, तो ज़्यादा किसी को चूचा ना करो, अपने तरीके से रोस्ट मारो। पहले मतलब इतनी भूख थी ना कि कुछ भी, मतलब कोई भी लिमिट, कोई ये भी कह देता नंगे हो गए नाच दो तो वो भी। लेकिन अब थोड़ा ऐसे है कि अब चीज़ों मतलब बाद में क्या हो सकता है इसके बाद ना, इसके वो कॉन्स क्या हो सकते हैं इस चीज़ के, तो अब वो सब देख के बनाते हैं। क्योंकि भाई आप बड़े क्रिएटर हो गए ना तुम, अब लोग फॉलो करते हैं, जो तुम बोलोगे तो लोग जाके वहाँ गाली बक देंगे।
और एक ये है ना, जब मान ले मुझे पता है कोई फॉलो नहीं कर रहा तो मैं स्टोरी पे कुछ भी कह दूंगा, ये कर दो जाओगे, इसको कर दो, इसकी माँ छोड़ दो। लेकिन जब पता भाई दीपक कर रहा है, शुभम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, तो ना एक शर्म हो जाती है भाई कि तुझे क्रिएटर भी फॉलो कर रहा है। तेरा इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो गया है ना बहुत ज्यादा, तू जनता यहाँ से हेर फेर कर सकता है, तो वो एक बहुत बड़ी पावर होती है, तो बेफालतू में कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई रोस्टिंग का ये स्टार्टिंग से ही था, जब स्टार्ट किया था कि रोस्टिंग ही करनी है, कुछ और भी प्लान था कि फिर रोस्टिंग पे ही आ गए? मैं बताऊँ ना, शुरू शुरू में तो बीबी की वाइंस रियल शिट हर्ष बेनीवाल को देख के वो करते थे, स्केच वीडियो बनाते थे। मैं सुने, मतलब जब मैं पहली दूसरी अपनी वीडियो शूट करा था, मैं तब सुना था तुम लोगों के बारे में ना, मीम पेज पे प्रमोट कराते थे तब सब लोग वीडियो, हर्ष बेनीवाल तुम्हारी भी मैंने मीम पेज पे देखी थी वीडियो, फेसबुक पे देखी थी, तो तब पहले स्केच वीडियो बनाते थे। लेकिन स्केच में यार मेहनत बहुत है, मतलब सैल्यूट है जितने लोग स्केच बनाते हैं ना, इतनी मेहनत है, हलक सूख जाता है मेरा तो 5 मिनट का वो स्किट शूट करते हुए भी, और इतना सब कुछ फैल जाएगा, आए कैमरे, वो इसे संभालो वो संभालो। फिर मैंने सोचा यार कुछ ऐसा करना है, क्योंकि मैं हॉस्टल में था, दोस्त घर पे थे, वो तो छुट्टियों में मना ली थी हमने, तो जब मैं हॉस्टल में गया मुझे ऐसा लगा यार कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैं अकेला कर लूँ। फिर मैं कैरी को देखता था, मैं बाहर के एक दो क्रिएटर को देखता था, तो मुझे लगा कि ये बढ़िया है, ये माइक में बहुत पावर है, और मेरे पास एक कैमरा था ही बस एक। और उस टाइम तो रोस्टिंग में भी कम ही लोग थे शायद जब तूने स्टार्ट किया। हाँ, 2-3 ही लोग होंगे, एक रोनी था, एक कैरी था, एक ट्रिगर्ड इंसान था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि रोनी और ट्रिगर्ड इंसान तो बहुत वैसे बच्चों वाले रोस्ट ट्रिगर्ड सारा। हाँ, हाँ, वो बच्चों वाले, मैंने कहा एक ऑडियंस ऐसी है जिसको तुम ओपिनियन रोस्टिंग ओपिनियन करके घेर लोगे, वो वाला है। अब बस अब तो रोस्टिंग में कोई नहीं बचा, अब तो थगेश एक्टिव और बस मैं ही हूँ, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई इतना फ्रीक्वेंटली कोई रोस्ट करता होगा। कैरी तो 3-4 महीने में एक वीडियो डालता है भाई। जैसे अभी टिकटॉक यूट्यूब हुआ था, उसमें तो बूम मिला ही था सबको, रोस्टर वोस्टर को भी, बाकी सबने जिसने स्केच बनाए सबको। तेरा ऐसा उसके अलावा कौन सा पॉइंट था कि जहाँ से तेरे को एक फेम मिला, एक वो वाली चीज़ हुई कि हाँ अब थोड़ा लग रहा है कि मैं वायरल हो गया हूँ, ऐसी कोई पर्टिकुलर वीडियो होगी ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये जो महीना चल रहा है ना जून का, ये सबसे बेस्ट महीना रहा है हमेशा से चैनल के लिए। सबसे पहले मैंने एक स्केच बनाया था, चाचा विधायक है हमारे, 2017 में वो 10 मिलियन पहुँच गया था यूट्यूब पे जून के महीने में। तब मुझे लगा मैं भाई हाँ लिखना आता है भाई, टैलेंट है, अगले आने वाले सितारे हम ही हैं। आशीष चंचलानी को मैसेज डाल दिया था मैंने, मैं कहा भाई कोलैब के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। लिटरली आशीष चंचलानी को मैसेज डाल दिया था मैंने। हर्ष बेनीवाल के साथ एक लड़का काम करता था, विराट, विराट करके, वो हर्ष के चैनल से तभी तभी हटा था, मैंने उसको भी मैसेज डाल दिया भाई मैं भी बहुत बढ़िया वीडियो बनाता हूँ, कोलैब करेंगे। खुद से कर रहा है तू ये? हाँ, अच्छा क्रिएटर हूँ। उसने रिप्लाई भी नहीं करा क्योंकि 700-800 फॉलोअर थे, लेकिन फेसबुक बूम कर गया था पूरा। उसके बाद अगला साल आया जब मैंने रोस्टिंग शुरू कर दी, मैंने रोस्ट किया लव स्कूल को, उसको होस्ट करता था करण गुंद्रा, और भाई जैसे कह रहे हो ना उस टाइम कुछ भी कर सकते थे, मैंने इतनी गंदी गंदी गालियां बक रखी थी क्योंकि मुझे लगता था गाली इज इक्वल्स टू रोस्टिंग, फुल गाली बक रखी थी करण गुंद्रा का। मुझे सुबह सुबह, जैसे कल रात वीडियो पोस्ट करी, सुबह उठा मैं 11 बजे, मुझे मैसेज आया हुआ और वो नोटिफिकेशन से ही डर गया मैं। मैं कहा भाई गाली बकेगा, और ब्लू टिक उस टाइम पहला ब्लू टिक का मैसेज, तो मैंने देखा उसने कहा अरे भाई बहुत फनी था, मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मैंने एक्चुअली करण गुंद्रा की गर्लफ्रेंड का रोस्ट किया था और उस टाइम उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए उसको मजा आया पूरा। तो उसने अपनी इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट किया और इंस्टा स्टोरी का फीचर उसी साल आया था, तो इतना मुझे इतना मेरा ट्रैफिक आया मेरे यूट्यूब पे ना, वो वीडियो 10,000 पे थी और मेरे सब्सक्राइबर 6-7 हज़ार थे तब, और वो वीडियो 2-2.5 लाख चली गई। फिर मैंने शो पे रोस्ट पे रोस्ट रोस्ट पे रोस्ट बनाए, फिर मैं 2-2.5 लाख कर लिए सब्सक्राइबर, फिर ऐसे ऐसे एक साल में मेरे 5 लाख हुए थे, जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब भी जून में ही हुआ था, तब मेरे फिर एक ही महीने में 5 लाख हो गए थे, फिर 1 मिलियन तब हुए थे, और बस उसके बाद अब है जून का महीना, अब 2 मिलियन हो गए। इस साल क्या होगा? और बात मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे अदनान से पर्सनल खुंदक है या क्या सीन है अभी, ये क्या चल रहा है? वो जो पहले यूट्यूबर से टिकटॉक में ना वीडियो डिलीट हुई थी तो ना, हाँ मेरी एक बस कैरी की और एक मेरी हुई थी, तो ना ये इसने अदनान का एक वॉइस मैसेज वायरल हुआ था जिसमें कह रहा था छोटा मोटा गेम नहीं खेलने का, कैरी लक्ष्य की वीडियो उड़वा दी है, ये बहुत क्रेडिट ले रहा था उस सीन में ना। हाँ, तो ये बहुत क्रेडिट ले रहा था और ये स्टोरी में भी चिढ़ा रहा था मुझे। मैं फुल डिप्रेशन में चला गया था, कम्युनिटी स्ट्राइक लग गई थी चैनल पे एक, तो मैं तब से बहुत खुंदस थी मुझे इससे ना, और फिर फाइनली इसने मुझे मौका दिया कि वो खुंदस उतार लो तो उतार दे। तो अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सिचुएशन है, मतलब क्या किया क्या है उसने? तू इस एक ही मौके का वेट कर रहा था, पकड़ लिया, मतलब बुद्धि से पकड़ लिया। पिछले हफ्ते क्या हुआ, मुझे थगेश का कॉल आया रात को 2 बजे, तो थगेश ने कॉल किया, वो केरल था, केरल कुछ ना इनका यूट्यूबर्स का कुछ अवार्ड वोर्ड था,
तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि यार उसका मैंने ना अदनान पे एक वीडियो बनाई थी, उसने एक छोटी सी रील रोस्ट की उसकी, और यार मुझे ना माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, कह रहा है मुंबई आई हो तो तेरा इलाज कर दूंगा ऐसे वैसे फलाने। तो उसने थगेश को क्या करा है, वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट पे कॉल? अच्छा, आमिर सिद्दीकी से नंबर लेके। अच्छा, तो बहुत गाली दी उसने थगेश को। अब थगेश ना थोड़ा सा ऐसा बंदा है ना, वो प्यारा सा बंदा है, उसकी वीडियो से दिखता है ना, गाली देनी ना किसी से झगड़ा ना कुछ, तो मुझे ऐसा लगा कि थगेश इनडायरेक्टली थोड़ा सपोर्ट ही मांग रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया और तुम हमेशा सब साथ रहते हो। मैंने थगेश को कहा, मैंने कहा भाई तुझे वीडियो बनवानी है क्या? मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा नहीं यार, पहले भी तेरा इससे लड़ाई वड़ाई हुई थी, तेरी वीडियो डिलीट हो गई थी। मैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू कहे गांड फाड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं, और इस बार कॉल करेगा मुझे ऐड कर लियो, मैं वहाँ बैन कर दूंगा इसकी। और मुंबई गया, मैंने कहा भाई जहाँ गएगा वहाँ पहुँच जाएंगे। तो भाई ठीक है, थगेश ने फिर थोड़ा सा थगेश को बूस्ट मिला। सुबह मैं उठा तो थगेश ने ट्वीट किया हुआ था कि इसने मुझे गाली वाली बाकी ऐसे, मैंने रिट्वीट करा, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है हम हैं साथ में, वो चीज़ नियोन मैन ने कवर की। तो मुझे अदनान ने वॉइस मैसेज भेजा माँ बहन की गाली देते हुए, उसके बाद मैंने वो वॉइस मैसेज उठाया स्टोरी पे लगाया, मैंने इधर से गाली बक दी। तो कहता तू कभी मुंबई आ, मैं कहने लगा, मैंने कहा भाई तू कभी दिल्ली आ और तेरे को 7-स्टार होटल में लिटवाऊंगा जहाँ तू लेटा भी नहीं होगा कभी, ठीक है यहीं मिलेंगे। तो कह रहा ये, तो फिर उसको लगा कि भाई ये वीडियो बनाएगा, तो उस और मेरे पास ना उसकी बहुत वीडियो थी जहाँ वो पब्लिकली पिटा विटा सब, मेरे पास एक और वीडियो है इसकी, एक रेस्टोरेंट में पिटा था, वो वीडियो तो मुझे किसी ने इनबॉक्स ही की थी। हाँ, तो इसको मैंने इसको क्योंकि वॉइस मैसेज में कह दिया, मैंने कहा मुझे पता है तो तेरी गुद्दी कहाँ पे पिटी थी ऐसे वैसे ना, तो इसको लगा कि कभी और बेइज्जती हो जाए। इसने फिर कहा यार तेरे से तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे वैसे, थगेश है तू, थगेश का कौन सा तू भाई लगता है। फिर ना इसने एक ही मिनट में नीचे आया, हाँ एक ही मिनट में, इसने कुछ नहीं कहा उसके बाद मुझे। लेकिन इसका भाई था ना, मैंने उसकी स्टोरी देखी यार, मुझे माँ बहन की गाली बकरा टैग करके, और हाँ, मैंने। वो तुम यार मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा थगेश को भाई अब तो तू घुसेगा नहीं घुसेगा, मैं तो घुसूंगा इस कॉन्ट्रोवर्सी में ना, मैं इसकी फाड़ूंगा दोनों भाइयों की। फिर मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद एक वीडियो के बाद तक तो वो स्टोरी स्टोरी डालता रहा अदनान। फिर उसको किसी ने बता दिया कि भाई ये लीच है, ये चिपक गए ना हटते नहीं है, इग्नोर ही कर, तब से वो कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल चुप है। लेकिन अब तो यूट्यूब पर कितनी तो वीडियो बनी है उसके ऊपर, हर किसी ने तो बना दी तुम्हारे करने के बाद। फिर से अब तो भाई आ रहा है, यूट्यूब खोलो तो आ रही है अदनान 07 रोस्ट डाल, कम से कम 100 लोगों ने रोस्ट मार दिया उसका। सही खींच दी बहन चोद, पूरा तार के फेंक दिया, रेड सेट कर दे। ये गैंग भी है, इसी एक बार कुछ आ जाए तो सारी पकड़ते हैं गैंग को। कुछ कल वाली वीडियो मैंने जो दूसरा पार्ट बनाया उस पे 4 घंटे में 1 मिलियन चली गई थी। इस तरह कुत्तों की तरह लोगों को मजा आता है भाई, कुत्तों की तरह गाली देने में किसी को ना। सही है भाई। तो भाई वैसे जैसे अदनान कह लो या किसी का नाम नहीं लेते, पर कुछ क्रिएटर्स हैं ऐसे जिनको कभी कभी पर्सनली लगता है कि यार इनको ना ज्यादा मिला हुआ है जितना ये डिजर्व करते हैं उससे, ऐसे क्रिएटर्स को देखकर कभी खुद पे फीलिंग आती है कि यार मतलब मैं बस यही सोचता हूँ यार ऐसा लग कभी हमारा भी हो जाता, मतलब है तो लकी, ठीक है आप ये भी नहीं कह सकते कुछ कर नहीं रहे, मतलब मेहनत तो यार कैमरा उठा के शूट करना भी मेहनत ही है, मैं तो ये कहूँगा आधे लोगों के बस की तो वो भी नहीं है। पर फिर ऐसा लगता है यार कहीं ना कहीं इनके लिए एल्गोरिथम इतनी मेहरबान कैसे हो गई, हमारे लिए क्यों नहीं है। मतलब वही लोग हैं जिन लोगों ने ऐप के चालू होती ही वो चीज स्टार्ट कर दी थी, टिकटॉक नया नया आया तो फर्स्ट कमर्स थे, वो करा तो वो बहनचोद उनको व्यूज मिल गए, ऑडियंस मिल गई। अभी जैसे सौरभ को बहुत लोग बोलते हैं, मेरा तो अच्छा दोस्त है सौरभ जोशी को बोलते हैं भाई उसको हर वीडियो पे 6 मिलियन व्यूज उसके आने ही आने हैं हर रोज, और शायद इंडिया में सबसे ज्यादा अगर यूट्यूब से अर्न कर रहा है कोई क्रिएटर इंडिविजुअल वही है। तो मुझे ऐसा लगता है, एक तो ना मैं देखा वो मेरे साथ भी रहा 10-12 दिन, एक तो मेहनती तो है यार वो ना, मतलब 9 बजे सुबह व्लॉग आना है तो आना है, मतलब आप पूरी रात कुछ भी कर रहे हो सुबह उठ के उसका एडिट मार देगा टाइम पे। और दूसरी चीज़ ये है कि यार उसने ना वो एक अलग जोनर छेड़ दिया कि ना व्लॉगिंग से बच्चे कनेक्ट नहीं होते थे छोटे बच्चे, बट उसका वो भाई वो एक्सपेक्टर ऐसा बन गया ना कि बच्चे कनेक्ट हो गए, और सौरभ जोशी को 99% बच्चे ही देखते हैं बस। भाई मैंने भी सौरभ का व्लॉग देखा ना, तो मैं भी पीयूष से वो थोड़ा वो हुआ, वो जो करता है हरकत है ना, मैं इतना बड़ा हूँ मेरे को भी वो लगा, मैं फिर समझ में आया कि हाँ ठीक है ऑडियंस यहाँ कनेक्ट हो रही है। ये वो सौरभ से कनेक्ट है ही नहीं कोई बंदा ना, सौरभ तो लोग ये मानते हैं पीयूष का बस भाई है, चैनल का होस्ट है बस वो, ठीक है जो मेन कैरेक्टर है ना वो तो पीयूष है, वो वाला सीन है। तो बढ़िया यार, अब उसको ये लोग मतलब बोलते हैं कि यार सौरभ पे कैसे इतनी मेहरबान हो रही है यूट्यूब, भाई उसने वो चीज़ पहले छेड़ दी ना,
जो लोग नहीं छेड़ पाए, टिकटॉकर लोग भी पहले करने वाले थे इसलिए इनको जनता मिल गई है और अब ये उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ये बहन जो हर चीज पे लिपसिंग मारते हैं इनको व्यूज मिल जाते हैं। वो तो हमेशा भाई हमेशा मिलेंगे लिपसिंग पे तो व्यूज हमेशा, क्योंकि अगर हम भी स्क्रॉल करना शुरू कर देना और आने लगे वीडियो, एक दिन एक लड़की की मैंने 100 वीडियो देख दी, फिर मैं सोच रहा भाई यही तो मैं रोस्ट करता हूँ, मतलब वो मजा सा एक अलग सी वाइब ही बन जाती है ना, है ना। वो ऐसे डांस कर रही है, एक लड़की थी, वो उसका बैकग्राउंड भी ऐसा था, इधर टीवी पीछे कवर्ड और वो ना क्रिकेट लिखा हुआ, उसने क्रिकेटर अपने बायो में भी, और शायद हरियाणा साइड की लड़की है, वो डांस कर रही है ऐसी देसी गानों पे और मैं देख रहा सेम बैकग्राउंड में 100 वीडियो देख दी मैंने उसकी, तो मैं कह रहा मैं भी तो वैसा ही हूँ, मैं भी तो टीयर 3 ऑडियंस बन गया। लक्ष्य कह रहा है एक वो थी और एक सोफिया, बस दो ही बातें। सोफिया तो अच्छी दोस्त है यार मेरी बहुत। अच्छा, और भी कुछ कह दे। नहीं बहुत अच्छी दोस्त है। तो भाई वैसे लड़कियों की रील्स के अलावा कोई ऐसा पर्टिकुलर क्रिएटर है जो तेरे को तू देखता है या उससे इंस्पायर होता है? फिलहाल में सोचना पड़ेगा, एक तो मतलब जितने क्रिएटर थे ना सब तो महीने महीने में वीडियो बनाने लगे, ऐसा तो कोई बचा ही नहीं, मतलब जिसको रेगुलर आप देख लो। अभी तो एक चैनल है बस, एक बॉम्बे जर्नी करके है, देखो वो पॉडकास्ट ही करता है गाड़ी में, बॉम्बे लेकिन बॉम्बे रिलेटेड करता है, वो बॉम्बे रिलेटेड पॉडकास्ट करता है, तो अभी मैं उसको ही सबसे ज्यादा देखता हूँ। वो बॉलीवुड के सेलेब्स भी आता है, वो अलग अलग फील्ड के सिंगर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो बस वही पूछता है बॉम्बे में कभी रहे, कैसे आए, कहाँ रहे, क्या सब ना, तो वही भाई ये देखता रहता हूँ मैं क्या किया था लोगों ने शुरू शुरू में स्ट्रगल के दिनों में, तो वही। अब क्रिएटर तो यार मुझे इंडिया में ऐसा लगता है रेगुलर तो कोई है ही नहीं ब्लॉगर के अलावा, महीने दो महीने चार महीने में लोग आ रहे हैं तो सभी की देख लेता हूँ, फिर तो मैं आशीष की आ जाए, हर्ष की आ जाए, लेकिन अगर फनी मुझे कोई बंदे अगर कोई ये बोले ना कि फ़नी कौन है पूरे यूट्यूब में, तो एक तो मुझे हर्ष बेनीवाल फ़नी लगता है और दूसरा मैं दीपक के रील्स बहुत देखता हूँ भाई, वो सोनू बदतमीज वाली ना, मैं विवेक के यहाँ पे भी गया था, मिस्टर मिशी चौधरी करके हैं, तो मुझे विवेक ने मुझे ये कहा कि भाई ये वीडियो दे, मैंने कहा भाई मैं सारी देख चुका इसकी, हाँ सब मुझे वो बहुत फनी लगती है। तो सोनू बदतमीज मैंने वैसे बहुत टाइम से किया नहीं है, उसके पीछे भी एक रीजन था कि मेरे को बहुत लोग कह रहे थे कि ये एक्सेसिव हो गई है गाली, बहुत आ रहे थे मेरे को इसके कि भाई लड़कियों को लेके तू डिवो कर रहा है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, ये फलाटिंग में, तो मैं थोड़ा इफेक्ट हुआ उस चीज़ को लेकर यार, लेकिन मेरे को ना इस तरह की ही कॉमेडी अच्छी लगती है, और एक संयम शर्मा करके है शर्मा जी का लड़का, मुझे वो बहुत फनी लगता है, बल्कि बहुत लोग कहते हैं अरे नॉर्मली तो करता है, पर यार वो है ना लिख लिख के ना, जब हम बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं ना और मतलब आप इसी जोनर में घुस जाते हो तो पता नहीं आपको क्या चीज़ें फनी लगनी शुरू हो जाती है। और एक भाई ये भी होता है कि तुम ना किसी बंदे के कॉन्टेंट से भी उसके वे ऑफ स्पीकिंग से भी तुम वो कर जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, हां एक्सेंट कैसा है, वो बहन जो भी बोलेगा ना उस पे हंसी आ जाएगी, वो वाला सीन रहता है ये बंदे का। तो अभी ऐसे यार तुम लोग हो गए, आशीष हर्ष ये सब हो गए, वीडियो इतनी लेट आती है, अब तो फिर तो सबकी देख लेंगे, अब मान ले तुम्हारी आई, तुमने इसने स्टोरी डाली, तुमने डाली फिर रियलिटी वाले पेज पे डाली, तो बंदा देख ही लेता है ना एंड में, तो वो वाला सीन चला गया कि हाँ भाई हर हफ्ते आ रही है, तो हर हफ्ते किसको प्रीफर कर रहे हो, पहले ऐसा था ना किसको प्रीफर करोगे देखना, तो अब तो ऐसा है आई चॉइसेस बहुत है, चॉइसेस हो गए, दो चार महीने में एक आ रही है बना देख ले रहे हैं सबकी बैठ भाई। अब ना ये चीज हो गई है जैसे बच्चों में है ना कि जो खाना खाते खाते भी वो कुछ ना कुछ देखेंगे, हम लोग में भी ये आ गया भाई कि भाई कुछ चाहिए देखे वो खाना खाते। मैं हर्ष की वीडियो 3 दिन लगातार खाना खाते हुए, दोपहर का खाना खाते हुए 3 दिन में कंप्लीट की थी जाके, ऐसे ही तुम्हारी भी वैसे ही देखता हूँ मैं, आई रात का खाना जैसे 5 मिनट पे ही चाहे पंच, अगर खाना खत्म हो गया ना रोक दूंगा फिर अगली बार शुरू करूंगा उसको, ये रहता है। लेकिन ये होता भी वाइंस के साथ ही है, मतलब स्केच वीडियो के साथ ही है, बाकी रोस्टिंग में बिल्कुल नहीं देखता किसी की भी, रोस्टिंग तो मैं अपनी नहीं देखता किसी। अच्छा, रोस्टिंग नहीं देखता, नहीं देखता मैं बिल्कुल भी यार, वो दिमाग में वही चीज़ आ जाती है दिमाग में ना, थगेश का पंच सुन लिया ना कितना भी सोच लूँ वही पंच लिखा जाएगा घूम फिर के ना, ऐसा हो जाता है, तो वो तो मैं बिल्कुल इग्नोर करता हूँ वो सब लिखना। अच्छा भाई मैं एक बात जानना चाहता हूँ, रोस्टिंग के पीछे जब तू स्क्रिप्ट लेके बैठता है तो तेरा मेन इंटेंशन क्या होता है, कि या मैं इस बंदे की माँ बहन कर दूँ या लोगों को हंसाऊं, मतलब दोनों में फर्क है कि मैं कमर्शियल चीज करूँ कि जनरलाइज कर दूँ थोड़ा जोक कि सब रिलेट कर पाए सब हंस पाए, या इस बंदे की माँ बहन कर दूँ लोग हंसे ना हंसे इसको, मतलब इसका रोस्ट अच्छा, या फिर तू जेन्युइनली जो उसने चीज गलत करी है उसको सही करवाना चाहता है उसको, मतलब मैसेज दे, तेरा इंटेंशन क्या है जब तू टारगेट सेट कर लेता है, टारगेट लॉक्ड। अब सारी चीजें डिपेंड करती है सामने वाले पे, कई बार जैसे मैंने एक उसका किया था, अभी एक बड़ा ज्ञान सा देता है, मैं उसका नाम भूल गया, वो टूटसी के एड्स किया था, है ना, तो मैं उसका नाम भूल गया, वो एड्स में शिवम मलिक का था मुझे पता है, बढ़िया बंदा है,
बा मोटिवेशन कुछ ज़्यादा दे रहा है, तो इसका रोस्ट ऐसे करूँ कि लोग बाग हंसे, जो संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशन ले रहे हैं ना बस रिलेट कर ले कि हाँ भाई जरूरत से ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं चाहिए। तो उसका तो मैंने ऐसे किया कि भाई संयम भी अगर वीडियो देखेगा ना, मेरा इंटेंशन थ्रू आउट स्क्रिप्ट यह था कि वो भी हंस दे, कुछ गलत नहीं बोलना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे MLM वाला एक आशुतोष था जिस पे बनाई थी मैंने, उसकी भी कहानी बताऊंगा, बहुत फनी कहानी है वो। तो एक वो हो गया, फिर आमिर एक और आमिर था वो बाइकर, उसके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। तो जब बंदा सामने, उसने भी सामने से मुझे गाली बकी थी तो कि जम्मू आना, जम्मू की पब्लिक बताएगी तुझे वो, तो तब ना इतना खुंदस हो जाती है। मैंने स्क्रिप्ट रात रात में एक घंटे में लिख देता हूँ ऐसे बंदे पे, जब कि फाड़नी है भाई इसकी, तो क्योंकि गंद तो मेरे अंदर इतनी भरी हुई है, वो तो मैं निकाल नहीं रहा। तो वो महीने छः महीने में एक ही बंदा फंसता है, तो गंदगी स्क्रिप्ट तो है अंदर, जो भी लिखनी है उसकी माँ बहनों को जिसको भी याद करना है सबको कर दूंगा, और स्क्रीनशॉट तो आई जाते हैं फटफट ईमेल पे ना, उनके दुश्मन भेज देते हैं, तो स्क्रिप्ट तो पंचलाइन तो बनती चली जाती है, आधी स्क्रिप्ट तुम्हारी ऑडियंस भेज देती है कि अरे भाई ये वहाँ पे पिटा था, अरे भाई हाँ इसकी बंदी वो थी, ये था वो था, तो सारी ले गए। तो मतलब कई बार ऐसा हो जाता ना कि भाई फाड़नी है इसकी, तो और जो वीडियो फाड़ने वाली होती है ना वो पहले घंटे दिख जाती है ना, कि पब्लिक उसका जो कुत्ता बना देती है कमेंट में जाके ना, वो पहले ही एक घंटे में नज़र आ जाता है। लेकिन यही है कि एंटरटेनमेंट वाली लोग हंसते ज़्यादा है, बट वो शेयर कम होती है, जो वो वाली कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ शेयर ज़्यादा होती है। अब MLM वाली बता दे रहा हूँ क्या हुआ था। MLM पे मैंने वीडियो बनाई, मेरे पे पहले तो एक वो आया डिफेमेशन नोटिस आया एक वेस्टीज की तरफ से, तो उसका फ़ोन आया मुझे, कहता फिर फ़ोन आया आपके पास, मैंने नोटिस भिजवा दिया है। मैंने कहा मेरे तो एड्रेस पर आया ही नहीं, मैं एड्रेस ही गलत दे रखा था, हर जगह जिसको जो पता है गलती एड्रेस पता है। तो कह रहा लेकिन हम कॉल कर रहे हैं आपको, रीच तो हम कर पा रहे हैं, उसने ब्रांड वाला नंबर निकाल लिया था मेरा, तो आपने ना हमारा जो सर्फ था ना वो उसमें फेंक दिया आपने, टॉयलेट में फेंका, मैंने टॉयलेट साफ़ करके दिखा दिया था उससे। मैं कह रहा मैं जो मेरा जो मन करे मैं क्लिनिक प्लस से कुत्ते नहला दूँ तो क्या क्लिनिक प्लस केस कर देगी मेरे पे भाई, मैं मुझे कहीं के भी बाल साफ करने हो, तुमने तो बाल साफ करने के लिए दे दिया, तुमने थोड़ी बताया सर के ही करने हैं। उसको मैं गाली वाली दे के फ़ोन वोन कट करा, उसने जो नोटिस भिजवाया था एक लॉयर से, मैंने उसको नोटिस भी वापस भिजवा दिया। उसके बाद अगले दिन ना, मतलब जब किस्मत किसी की ख़राब हो तो ऐसी होती है कि वो कहते हैं ना जब लौड़े घुस जाएँ तो इस तरह घुसते हैं, मुझे रिक्वेस्ट खोली कई दिन बाद मैंने मैसेज रिक्वेस्ट, एक लिंक फट पूरे रिक्वेस्ट में लिंक ही लिंक आ रहा, क्योंकि इनके ना टेलीग्राम और वैसे ग्रुप होते हैं, कोई सर हैं उसके ग्रुप में सब हैं। तो ना मैंने एक की चैट खोली, कहते आशुतोष सर आज शाम 5 बजे एक वीडियो डालेंगे जिसमें देखना तेरी माँ बहन कर रखी है उन्होंने। मैंने देखा आशुतोष प्रतिहास करके कोई बंदा है इसमें MLM की किसी एक कंपनी में, और FLP करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में था वो, तो तुम देखना तेरी बैंड बजाएंगे, वो 5 बजे एक वीडियो प्रीमियर करने वाला था, और उसकी बदकिस्मती ये थी कि 4:55 हो रखे थे। मैं भी बैठ गया, वो लिंक कॉपी किया, यूट्यूब पे पेस्ट किया, मैं बैठ गया, प्रीमियर होने वाली थी वीडियो प्रीमियर होनी शुरू हुई, वो एक होटल में ऐसे बैठा, ऐसे नीचे पीछे बैठ था और ऐसे सामने से रिकॉर्ड हो रहा था, और पीछे एक बंदा घूम रहा उसकी टीम का, तो वो सब कुछ बताने लग रहा, ऐसे कह रहा कि मैंने एक वीडियो देखी, वो अच्छे तो बनती है प्रोफेशनल कोट पहने बैठा, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक यूट्यूबर ऐसे बता रहा है लक्ष्य चौधरी मेरे पास का ही है, यूपी वेस्ट का ही है, और बहुत अच्छे ऐसे तो बहुत अच्छी वीडियोज बनाता है, एकदम ऐसे कट हुआ, कहता अरे लंड वीडियो बनाता है मेरी। थोड़ी देर में मैंने नोटिस किया वो क्या हुआ, अनएडिटेड वीडियो अपलोड कर दी उसने, और उसमें वो गालियां बकरा कह रहा इस, फिर एकदम कह रहा कुछ बात की अटक गया, फंबल हुआ, कह रहा अरे यार प्रशांत इतना बढ़िया निकला था ना अभी, इसकी गांड फट जाती, ऐसी लाइन निकली तो लोग पागल हो जाते, मैं फंबल हो गया, रीटेक करते हैं, ऐसे हो रहा उसकी वीडियो में, जाओ कह रहा रिप्लाई टू लक्ष्य चौधरी। अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी, नीचे लोग कह रहे सर डिलीट करो गलत, ये नहीं पता बहन चोद सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, फूफा जी बैठे। हाँ उसकी किस्मत इतनी खराब थी, किसी और ने तो क्या ही रिकॉर्ड करता, मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठ के उसको, नीचे कह रहे सर गलत वीडियो अपलोड हो गए उसके, क्योंकि वे थे ना व्हाट्सएप वाले जो ग्रुप में रहते हैं सर 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 करके, वे स्टूडेंट कह रहे सर हंस तो गांड फट जाएगी आपकी, सर हटा दो। वो वीडियो जब बिल्कुल खत्म होने वाली थी ना 14 मिनट की हो चुकी प्रीमियर, तब वो डिलीट हो गई। अब चोई साहब उसको पूरी को रिकॉर्ड कर चुके थे, मैंने कॉल किया अपने एक दोस्त को, मैंने कहा बहन चोद बकरी फंस गई, गांड फाड़ देंगे कल, तो मैं भगा स्टूडियो की तरफ, घर से दूर था जबकि रात के 9 बज रहे, मैंने रचित को कॉल किया, मैंने कहा भाई कल सुबह जल्दी आ जाना, कल शाम तक ही वीडियो डाल लेंगे, और लिख विख के वहीं स्टूडियो में रिकॉर्ड करके अपना रख के चला गया, सुबह फटाफट एडिट करके वीडियो डाल ली। मैं कह रहा हूँ पब्लिक ऐसी पागल हुई ना, वो मेरा आज तक का बेस्ट रोस्ट था, कि उस बंदे ने खुद इतना अनएडिटेड फुटेज दे दी थी मुझे, इतनी दे दी थी जहाँ पे वो गालियाँ वालियाँ बक रहा है, खुद ही कह रहा है, मतलब उसने वो मैनिपुलेशन वाली बात भी अपने मुँह से कह दी, और भाई अगर ये लाइन सही निकल जाती ना भाई पब्लिक देखती ना उसको, सच बता रहा हूँ मैं पब्लिक देखती ना, क्योंकि इतनी अच्छी निकली थी। फिर फंबल हो जा रहा, फिर बार बार फंबल हो रहा, कह रहा अरे माँ की चूत उसकी यार ऐसे कर रहा हो, तो वो सब रिकॉर्ड हो गया उसकी, मतलब उसने इमेज ऐसी दिखा रखी थी ना अपने लोगों को कि मैं कितना प्रोफेशनल कितना अच्छा बन रहा हूँ। उसके बाद वो वीडियो डाली भाई, उसने कम से कम मुझे 1000 कॉल करे होंगे,
भाई वो वीडियो डिलीट कर दो, मेरा थंबनेल हटा दो, मेरा ये हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर जाऊंगा, मेरी मम्मी रो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहा भाई ये नहीं हटेगी, ये तो बिल्कुल नहीं हट सकती। फिर एक और भी सीन हुआ उसके बाद, एक FLP वाले बंदे का फ़ोन आया, कहता भाई आप पैसे लेते हो ना वीडियो के, आप सोचो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, आप मुझे स्पॉन्सरशिप का पैसा बताओ, हम वीडियो डाउन करवाना चाह रहे हैं। मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई 2 लाख रुपए लगते हैं प्लस GST, ठीक है, तुम्हारे लिए GST छोड़ दी, किसी बाबा ताऊ के अकाउंट में ले लूँगा, पैसे भेज दे, वीडियो हटा दूंगा। मैं कहा हटती है भाई यहाँ, मैं कहा बिका हुआ है यहाँ पे तो सब कुछ बिकता है, यहाँ चैनल भी बिक जाएगा, ठीक है। मैं कहा यहाँ ये मत सोच तू तो, और मैं कहा रिकॉर्ड करनी है कर ले। कह रहा ठीक है, लेकिन भरोसा कैसे करें, हम आपको पैसे देंगे आप वीडियो हटा दोगे। मैंने कहा भाई इस टाइम तो नीचे वाली इस जगह तू है ना, पहले तू पैसे भेज, मैं वीडियो हट। कह रहा हम आधे हटाएंगे आप वीडियो हटा, हम आधे भेजेंगे आप वीडियो हटाना फिर आधे भेजेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसने उसने क्या कहा भाई पैसे बस आने वाले, उसने एक UTR का स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने चेक कराया, बैंक वालों ने मना कराया, कह रहा भाई प्लीज़ अब आप ऐसे कर रहे हो गया पेमेंट तो आधा आप ऐसे कर। मैंने कहा चल भाई हटा रहा हूँ, मैंने वीडियो हटाई, वो चैनल पे से वीडियो चली गई। कहता मुझे फ़ोन करके कहता लक्ष्य भाई आप इतने होशियार बनते, इतने चूतिया हो गया आप, हमने पेमेंट ही नहीं करी आपने वीडियो हटा दी। मैं कहा बहन के लोड़े वीडियो पे क्लिक कर प्राइवेट और मैं कहा अब रेट हो गया 4 लाख रुपये अब नहीं हटने की भाई। फिर रोया वो बंदा, फिर रोया, फिर तो फिर हटाई नहीं मैंने भाई। इतने बेवकूफ़, मतलब लिंक पे क्लिक करके नहीं देख रहे वीडियो डिलीट नहीं प्राइवेट हुई है, तो इतने बेवकूफ़ थे भाई। एडवेंचर चलता रहता है लाइफ में, मजा आ रहा है, सही है भाई, सही है, चल फिर रहना चाहिए। ये भी सही है वैसे, डालो वीडियो फिर हटाने के पैसे ले लो, ये स्कीम अच्छी लगी। कुछ जॉनर है ये, इसमें कुछ जाते हैं। मैं तो भाई साफ कहता हूँ मैं बिकाऊ हूँ भाई, मैं तो एक जो है वो बोलते ना उसको क्या, एक कीमत तो गांड की भी है। मैं कहता हूँ हर कोई बिका हुआ है, पैसे होने चाहिए एक जगह जाके तो वो भी मिल जाएगी। अच्छा भाई तू ऑफ द कैमरा कुछ पूछ रहा था, मैं चाहता हूँ तू। हाँ कैमरा, हाँ तो मैं कह रहा था अभी एक बात हुई थी हमारे बीच में ना, बीच से ही कट गई, फिर जब हम दोस्तों टीम की बात कर रहे थे कि जब मैं व्लॉगिंग में हम लोग व्लॉग बनाते हैं तो उसमें 80% मेरा दोस्त रहता हर्ष स्पेक वाला, जो लोगों ने देखा भी होगा, और एडिट भी वही करता है, और पूरा मतलब उसके POV से ही चलता है वो व्लॉग चैनल ना, होस्ट वही है मान लो। तो लोग नीचे कमेंट करते हैं कि हर्ष इज़ बेटर देन लक्ष्य, और हर्ष से कुछ सीखो, हर्ष बहुत जिम्मेदार है, या हर्ष इतनी मेहनत करता है, लक्ष्य तो पढ़ाई रहता है पूरे टाइम, ये वो ऐसे वैसे, मतलब वो चीज़ें कमेंट करते हैं जो कभी मैंने हर्ष ने आपस में डिस्कस तक नहीं की। तो कभी मतलब जैसे तुम तीन लोग हो और हमेशा से तीनों ने ही मतलब जितने चैनल चलाए हैं साथ में चलाए हैं, तो कभी ऐसी चीज़ें कमेंट या इनबॉक्स में आई हैं कि ऐसा लगा हो कि सच में यार लोग क्या सोचते हैं जो कभी हमने नहीं सोची हो, ये बातें वो क्यों सोच रहे हो, या मान लिया अगर शुभम के लिए कोई कमेंट है या इनके लिए कमेंट है, इनके लिए कमेंट है, तुम्हें लगता हो यार सच में वो ना देख लें, उनको अजीब लगेगा फिर ये सब चीज़ें, ऐसा हुआ है कभी? भाई देख मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने ऐसे बहुत कमेंट्स पढ़े हैं कि पीयूष इज़ बेटर, दीपक इज़ द बेस्ट आउट ऑफ 3, बहुत पढ़े हैं, पर ऑनेस्टली हमने कभी वो चीज़ आपस में डिस्कस नहीं करी कि देख तेरे लिए ये कमेंट आया या तेरे लिए कमेंट आया तारीफ वाला, पर हाँ अगर किसी की बेइज्जती है या गांड मारी गई है तो वो डिस्कस कर रहा है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है पीयूष ऐसा है, तो मतलब हमारे तीनों के बीच में बॉन्ड ही ऐसा रहा है, और कहीं ना कहीं हम तीनों ना एक जैसे ही हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसे रहते हैं, एक्टिंग एक जैसी सिमिलर रहती है, तो कभी ऐसा सच बताऊं तो तारीफ वाले हमने डिस्कस कभी करे नहीं कि ये इसमें ये, और वैसे इतना आया भी नहीं है कि ये ज्यादा है ये वो है, ये तो पड़ा रहता है, ऐसा कुछ कभी आया भी। मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत मतलब अननेसेसरी कंपैरिजन कर देते हैं, ये होता है हमारे में तो, ये ज्यादा है कि आपकी दोस्ती ही अलग है, आपकी फ्रेंडशिप अलग दिखती है, मतलब जैसे हमारे में ऐसा होता है, जैसे मैंने म्यूजिक चैनल खोला, मैं गाने वाने निकालने लगा, मेरे को शौक है तो शौक या कर रहे हैं, तो वो वाले आ जाते हैं कि इसमें मत घुसो आप, उसमें ही तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं, अरे भाई मेरा शौक है यार, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है करने दो, तुम्हें नहीं सुनना मत सुनो, मेरे को तो मेरा काम करने दो ना, तो वहां पे आ जाता है कि भाई तुम वही करो यार, या व्लॉगिंग मत करो, ये करो, तो हम कमेंट से ना बहुत पढ़ते ही नहीं, मतलब अब मैं तो नहीं पढ़ता पर्सनली कमेंट, मैं भी मतलब बहुत रेयरली जब वीडियो डली 1-2 घंटा पढ़ता हूँ, पर कभी कभी मैं व्लॉग चैनल पे जाके देख लेता हूँ, जबकि हमें पता है हर्ष भी शुरू से मेरे साथ रहा है पूरी जर्नी में, हमें पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा आ जाता ना चैनल पे और आज ये कंपैरिजन होता, कहीं ना कहीं उस बंदे के दिमाग में इतनी गलत चीजें भर जाती कि वो सच में खुद से कंपैरिजन करना शुरू कर देता, और जबकि कमेंट बहुत अननेसेसरी चीजें ही होती हैं कि जो आप नहीं चाहते कि वो कमेंट में आए, या कई बार कोई ऐसी चीज दिख गई आप नहीं चाह रहे लोग नोटिस करें, वही नोटिस होनी शुरू हो जाती है, तो ऐसा मैंने देखा। भाई कमेंट का तो बेस्ट ही है कि इग्नोर करो सालों को और अपना काम चलन दो, हमारा ये रहे कि हम चैनल
चैनल में शुरुआत से नहीं, हम बचपन से ही मतलब लगा चौथी पांचवी से साथ में हम तीनों, तो हमारा बॉन्ड ये रहा है, तो फर्क नहीं पड़ी किसी भी चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो खुद आपस में एक दूसरे की अच्छाई कम बेइज्जती ज्यादा करते हैं, इनसे भी तो टीममेटों से वालों से पूछेगा, ये भी यही करेंगे तो बॉन्ड ही ऐसा रहेगी। लक्ष्य कह रहा है अब तुम मेरे दोस्त हो, अब देखो और अब तो ये भी कह दिया बेइज्जती कर। हाँ नहीं दोस्त है यार, बने गांड मारने के लिए। सही है भाई, तो इसी के साथ रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट का। मैं एक और चीज जरूर सुनना चाहता हूँ कुछ। हमने उस बारे में बात खास करी नहीं, थाईलैंड का क्या सीन है यार अभी मतलब पता क्या हम साथ चल सकते हैं? बिल्कुल यार, मतलब जो भी बूम बूम में अपना हिस्सा डालना चाहता हो, हम तो अभी तो दो या तीन ही लोग हैं, मतलब जितने ज्यादा हो उतना बढ़िया, पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर हिस्सा डालेंगे तो अलग अलग हिस्सा डालेंगे ना, बूम बूम में एक गली डालोगे हिस्सा। पता नहीं ना भाई, हर किसी के स्टेमिना का ऐसा हो ना, पैसा ना बर्बाद हो जाए किसी का। सही बात है ना, कोई कमजोर पड़ गया तो दूसरा भाई काम आएगा। कब जा रहा तू? मैं इस महीने के एंड में सोच रहे थे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि जुलाई स्टार्टिंग में जाए। तो लक्ष्य की ऑडियंस वॉच आउट फॉर बूम बूम ब्लॉग्स, और कुछ अलग फ्लेवर होगा उसमें है, जैसे तू बता रहा था वो अलग ही, मतलब पूरा वाला प्रॉपर स्ट्रीट जो मजा होता है स्ट्रीट्स पे, सच में जो खुद देखना चाहते हैं वही फैमिली फ्रेंडली। मतलब ये मैंने पहली बार देखा है, किसी को किसी पूछे भाई तुम्हारे क्या प्लान्स हैं अभी, क्या कंटेंट बना रहे हो, बूम बूम मेरा ये कंटेंट है अगला। भाई जब तक शादी नहीं हो रही तब तक तो वही है, जब हो जाएगी शरीर सही है, कोई लोड नहीं है। बढ़िया यार, मैं लोग देखे है ना, मतलब ऑफ कैमरा कैसे हैं, उन कैमरा बड़े शरीफ बनते हैं। मैं तो कहता हूँ जब मैंने देख लिया सब ऐसे ही, मैं तो बोल देता हूँ भाई मैं ऐसा ही हूँ भाई, मेरा तो इंटरेस्ट लड़कियों में ही है। ठीक है, कोई ये कहने लगे कि भाई अरे ऐसे कैसे बोल दिया, हाँ भाई मैं छेड़छाड़ नहीं करता, मैं इसे मिलता ही नहीं, मतलब मेरी आज तक की यूट्यूब की हिस्ट्री रही, मैं यूट्यूब के थ्रू मिला ही नहीं किसी से मैं तो। और मैं सोचता हूँ, मैं कहा भाई इसके इंटेंशन क्या हो सकते हैं, कोई मेरी सोसाइटी में भी कोई सामने से मिल जाए ना, शुरू शुरू में दो चार बार ऐसे लोग मिले, अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जान गया। मान ले कोई लड़का मिला, हाथ उध मिला के चला गया, ठीक है भाई कहाँ रहते हो, मैंने ठीक है भाई यहाँ रहता हूँ। कोई लड़की मिली ना, तो एक लड़की थी जो बाद में बहुत अच्छी दोस्ती बनी गई, उसने शुरू में मुझे इन्वाइट किया पार्टी के लिए कि हमारे टावर में आ जाना, यहाँ पार्टी है। तो मैं सोच रहा अरे भाई को भी वीडियो बना ले, अरे भाई को भी ये कह दे, ये करता है वो करता है ऐसे वैसे, मैं गया ही नहीं। उसके बाद वो म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू वो वापस मिल गई मुझे कि अरे अच्छा है तो हमारे ही कॉलेज में ऐसे वैसे, फिर पता चला अरे बढ़िया लड़की है, वो कह रही है अरे तुझे इतना पहले बुलाया था तू आया नहीं। लोग सोच रहे हैं इसमें यूट्यूबर वाला गांड है, ये नहीं पता गांड फटी पड़ी है। तो वो वाला सीन है कि भाई इंटरेस्ट है, मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं सारी बातें वो करता हूँ, लेकिन वैसा भी नहीं हूँ जैसे लोग हैं इंटरनेट पे। मैंने देखे बड़े वुमेनाइजर हैं, मुझे चैट वैट भी आती रहती है लोगों की, मैं सोचता हूँ मैं चल ऐसा तो नहीं हूँ मैं कि ऑन कैमरा भला बनना हूँ और ऑफ कैमरा ही हरकतें हैं सारी। और मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप को जितना नंगा दिखा दोगे ना, तो उस हद तक तो कभी जाओगे नहीं, इतना नंगा दिखा दो खुद को, थोड़ा कम ही रह जाओगे, तो लोगों को लगेगा अरे ये तो ऐसा ही है, एक्सपेक्टेशन मीट कर जाओगे तुम लोगों की, तुम बहुत भले बनोगे, कुछ ऐसी चीज थोड़ा नीचे आ जाओ। हाँ, कुछ ऐसी चीज वायरल हो गई ना, अभी मेरी तो बिना तक चढ़ी हो जाएगी, मेरी बिना अच्छे की फोटो वायरल कर दो वही, मैं तो हूँ भाई इतना नंगा, हो गई भाई, हाँ मेरे भी वही सब है जो तुम्हारे है। लेकिन कोई कोई इतना भला बन रहा है, कहने को भी तैयार नहीं, मेरे भी है भाई, वो तो इग्नोर ही कर रहे हैं उस चीज को, तो वाला सीन है। तो गाइस खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, थैंक यू लक्ष्य तू आया भाई, और इसी बहाने मिल लिए, पता नहीं चला कब बीता एक घंटा, मैं सोचा 15-20 मिनट हुई होगी, एक घंटे से ऊपर आ रहा है मैं अपना। हां हां भाई, मतलब ये चल पॉडकास्ट वगैरह तो हो ही गया, पर अब पार्टी वार्टी भी करते हैं साथ ही, और ठेके पे मिलेंगे। अब तो हम जानते हैं, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, गांड मर जाएगी भाई मेरी, आएगा नहीं तू, टॉपिक तू बता, कंट्रोवर्सी तू बताएगा। हाँ नहीं, कंट्रोवर्सी घुसा दूंगा मैं, निकलने का नहीं बताऊंगा। फिर तो फंस जाओगे यार। तो गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और फिलहाल हमें दो इजाजत। आपको अगर सॉरी कुछ आपको कहना है कैमरा से, मतलब यार मैं यहाँ क्या कहूँ, मैं तो अपनी ऑडियंस को कहूंगा वीडियो में जाके ना कि ये पॉडकास्ट देखे, और हाँ भाई जो इसको देख रहा है मेरे चैनल पे आ जाना। हाँ, लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बहुत ही बढ़िया कॉन्टेंट आपको मिलेगा और रेगुलर कॉन्टेंट मिलेगा, तो जाओ सब्सक्राइब करो लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स को भी, और लक्ष्य चौधरी चैनल जो इसका मेन रोस्टिंग चैनल है उसको भी। 2 मिलियन की फैमिली है, इसको 20 मिलियन तक बढ़ाओ, करो भाई दबा दब करो सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं, चलो।